क्विक बस चैटर पर बहुत सारे फैंस, बहुत सारे व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं और कई सवाल भी आते हैं, लेकिन कई बार अक्सर हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन ले पाते हैं। तो आज जो सवाल आया है इस समय प्रज्ञा रोजा के लिए हैशटैग क्विक बस चैटर के साथ, ये है अभिषेक यादव से। बेन स्टोक्स की फील्ड प्लेसमेंट की तब वो तारीफ कर रहे हैं, अटैकिंग माइंडसेट भी दिखाया, प्रेशर लगाया, उनको लगा कि रोहित और टीम इंडिया थोड़े से टिमिड थे, क्या आप सहमत है? देखिए, जब आप चौथे इनिंग्स में खेलते हैं तो थोड़ा सा वो प्रेशर होता है, क्योंकि तब आपके पास बैकअप तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि पहले इनिंग में अगर होता है तो आपके पास सेकंड इनिंग्स बैकअप है। अब आप हार जीत के लिए खेल रहे हैं और जब हार जीत के लिए खेलते हैं तो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर होता है, वो एक बात। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा बेन स्टोक्स के बारे में, बहुत अच्छी फील्डिंग। बेन स्टोक्स की जो माइंड सेट थी वो ये थी कि पहले इनिंग में हमने बहुत सारा रन दे दिया, पेस को ब्रेक नहीं लगाया, तो इन एंड आउट फील्ड रखा। उनकी कोशिश बहुत ही सिंपल ये कि अगर भारत को जीतना है आप 231 रन सिंगल में लीजिए, लेकिन हम आपको इजी बाउंड्रीज नहीं देंगे, तो उस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट की थी। लेकिन एक अगर आप छोटे छोटे चीजों को देखेंगे, जानते हैं बॉल घूम रही है, अगर बैट्समैन डिफेंस करेगा, सामने फील्डर है नहीं, तो वो कॉन्फिडेंटली डिफेंस करता है, तो इसलिए आप देखेंगे कि सिली पॉइंट का बड़ा अच्छा उपयोग हुआ है। जब खेल रहा और बल्लेबाजी कर रहा है, मैं बात कर रहा था कि ऑलीपॉप विद द टर्न खेल रहे थे, तो वहां पे जिस तरीके से कैचिंग गली रखा, चाहते थे जितना हो सके केएल राहुल टर्न को सीधे बैट से खेले, ना कि रिस्ट का इस्तेमाल करे, तो इसीलिए वो जो कैचिंग गली रखा था, आप जब भी वो फील्डर रहता है ना, आप आराम से वो शॉट नहीं खेल पाते, नेगेट नहीं कर पाते, तो आपको थोड़ा सा ना बॉल को और अच्छी तरीके से पहुंचना पड़ता है, तो बैट्समैन को अपने कला से दूर जाने के लिए। तो ये जो छोटी छोटी रणनीति है, ये शायद प्रेशर डाल रही थी भारतीय टीम।